मिल रहे हैं यहाँ से। आपको आधा मिला है क्या? नहीं, एक्चुअली हम डाई खा चुके हैं। अच्छा अच्छा, हम बताना चाहते हैं कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर हम टॉस हार चुके हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम मैच में पूरा अपना 100% देंगे। गाइस देखिए, आपको हम कमेंट्री बॉक्स का व्यू दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाजिद अली, जो कि काफी समय बाद आज पधारे हैं कमेंट्री बॉक्स में। वाजिद, कैसा लग रहा है आपको आज कमेंट्री बॉक्स में? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने हॉस्टल से। ये देख सकते हो आप पीछे हमारे हॉस्टल। सो गाइस, आज है संडे। तो गाइस, दो बंदे और वहाँ से निकल चुके हैं, तो अभी छोटे यहाँ पे खा के आ गए हो? ठीक है, क्या कहेगा तो बोल। इधर ब्लॉग खाली आए भाई, मुजफ्फर भाई के चैनल को आगे बढ़ाओ। गाइस देखिए, आपके लिए कितनी मेहनत करके व्लॉग ला रहे हैं, जीएनवी में ये व्लॉग बना रहे हैं, और हमें यहाँ पे ना फोन रखने की परमिशन नहीं है, तब भी आपके लिए, क्योंकि इनकी जो यूट्यूब फैमिली है उनसे बहुत प्यार करते हैं। सो गाइस, अभी जा रहे हैं हम मैस में। आज है संडे, तो देखते हैं क्या कुछ बना हुआ, क्या स्पेशल है संडे में, दिखाएंगे आपको भी। चलो देखो। सो गाइस, कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल आना है, प्लेट लेनी है, यहाँ से परोठे लेने हैं, दही लेना है, और मैस में आ जाए। आपको आधा मिला है क्या? नहीं, एक्चुअली हम डाई खा चुके हैं। अच्छा अच्छा, अभी इसको लगाएंगे गेम। तो आपकी प्लेट कहाँ है? हमारी प्लेट ये आई, ये देखो गाइस, ये रहा दही और ये अपने आलू परोंठे। गाइस यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे है ना जो खड़े होकर खाते है इनको। ये क्या है यार, खड़े होकर नहीं खाना है। तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया हमने। तो गाइस अभी खा पी के हम पहुंच गए हॉस्टल। ये रहे हॉस्टल, ये अपने यासर भाई, इनको देखा होगा पहले। सो गाइस, अभी यहाँ पे हॉस्टल में क्रिकेट के मैच होने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। सारे प्लेयर आ चुके हैं अपने टीम के ग्राउंड में। होने जा रहा है आज यहाँ पे T5 लीग हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सिक्के को उछाला और यहाँ पे आजादी किसका था? कप्तान चूज टू बैट फर्स्ट, दिस टीम विन द टॉस एंड दिस। हम बताना चाहते हैं कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर हम टॉस हार चुके हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम मैच में पूरा अपना 100% देंगे, पूरा पकड़ रखेंगे, हम मैच जीत के। हम उम्मीद करते हैं कि अपने मेन बॉलर का नाम बताएंगे। मेन बॉलर देखिए, हम दो ऑफ राउंडर हैं हमारे पास, मेन बॉलर तो कोई यानी, क्योंकि दूसरी टीम इमरान मलिक का छोटा भाई है। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। सो गाइस, अभी यहाँ पे हो रही है टीम मीटिंग। ये रही टीम वन और ये रही अपनी टीम टू। ये पीछे अपनी पिच। गाइस यहाँ पे मैच शुरू होता हुआ, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे आज T5 लीग हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉलर परवेज चौधरी यहाँ पे तैयार हैं बॉल को लेकर, और पीछे कीपर हैं मोहम्मद आसिफ और बैट्समैन हैं इंतखाब उर्फ छोटू फ्रॉम खांडली रीजन। यहाँ पे परवेज पहली गेंद लेकर तैयार हो रही है एम्पायर क्लास के। ओ वाओ, और एम्पायर की तरफ से वाइट गेंद का इशारा, एम्पायर है वसीम भज्जर। यहां पे पहला ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर 8 रन 0 पे, कोई भी विकेट का यहां पे नुकसान नहीं हुआ। यहां पे छोटू आज बढ़िया फॉर्म में, इन्हें अभी एक 6 भी लगाया और आउट होते होते बचे हैं, रिव्यू लिया था इनने तो वहां से ये बच गए हैं आज। यहाँ पे नेक्स्ट बॉलर आए मोहम्मद आसिफ फ्रॉम आरकी धनोड़ी से,
एकदम बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं, पहली बार लेकर तैयार आगे बैट्समैन मोहम्मद नदीम। बहुत भारी नुकसान होगा ये 295 टीम का। और विकेट ली है मोहम्मद आसिफ ने, जो कि ये देखो बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ और ये एम्पायर को क्रॉस किया और ये वाओ व्हाट अ बॉल बाय मोहम्मद आसिफ। टू आवर एक विकेट नौ स्कोर, वाओ। किरण पोलार्ड स्ट्राइक पे, यहाँ पे 295 टीम की एक विकेट होती हुई। छोटू ने अपनी विकेट गवा दी यहाँ पे। क्या बोला तूने? यहाँ पे बैट्समैन वापस आए आउट होकर, एकदम बढ़िया फॉर्म में। उदास लग रहे हैं थोड़े, ये बढ़िया मैच हो रहा है यहाँ पे। कप्तान वो खड़े हैं सीधे, खेल कर आ चुके हैं इंतखाब छोटू। और वाजिद आप क्या कहना चाहोगे आज मैच के बारे में? जैसे कि आप जानते हो काफी समय के बाद आज यहाँ पे मैच हुआ है। हाँ, तो काफी समय के बाद मैच हुआ है, हमें लगा नहीं था कि गेंद सीधी पड़ेगी, पर फिर भी ठीक है। हमारे जो अरेंजमेंट वाले बंदे हैं उनने ग्राउंड को रात काफी ठीक किया और उसके बाद अभी तक अच्छा ही मैच चल रहा है, अच्छा ही मुजाहरा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे हमारे सब बंदे भी जुड़ चुके हैं, बंदे दर्शक तो बहुत जुड़ चुके हैं यहाँ पे। देखिए बेल्जियम में उदास बैट्समैन उदास नहीं होना, ये गेम होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, उदास नहीं रहना, कभी भी उदास नहीं रहना। यहाँ पे ये जो है ये पानी लाते हैं प्लेयरों के लिए, यहाँ पे इन्हें रूह अफजा ला के रखा हुआ बाल्टी में, और मग्गा भी देखिए ये, ये, ये एक्स्ट्रा में लिए हुए एक्स्ट्रा में। और यहाँ पे सलीम की विकेट होती हुई, क्लीन बॉल, दोनों विकेट आज आसिफ ने ली है। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं आज आसिफ। और 2 मिनट के लिए अपनी खुशी पूरी करने के लिए कीपर गए हैं मुजफ्फर, मुजफ्फर व्लॉग्स। देखिए गाइस इसके व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये इसका चैनल है ना जो बढ़ना चाहिए आगे एकदम बढ़िया से। काफी मेहनत कर रहे हैं ये अपने, और यहाँ पे आप आए कुमेश्वर आखिरी ओवर लेकर, 25 रन हो चुके हैं, 2 विकेट और पहली गेंद उन्होंने वाइड फेंकी है। और अंपायर से बिनती की जाती है कि सिर से या नीचे दुपट्टा उतारिए। यहाँ पे अंपायर चेंज होते हुए मोहम्मद सलीम अंपायर आए हैं जो कि तरगाई से तहल्लुक रखते हैं। देखिए इश्तहार, अब 31 रन हो चुके हैं, 4 ओवर समाप्त भी हो चुके हैं, 5वें ओवर की 2 बॉलें गुजर चुकी हैं, तो क्या लगता है दूसरी टीम चेज कर पाएगी इनको? यानी कैसी मतलब स्कोर की कैसी परफॉर्मेंस है? इनके बैट्समैन तो बढ़िया दिख रहे हैं अभी, और ये कैच आउट हो गया और यहाँ पे एक और विकेट होती हुई नदीम। वाओ, तो अब क्या बोलेंगे इसके बारे में, कैसा स्कोर चल रहा है? स्कोर तो एकदम बढ़िया चल रहा है। देखिए बाजी, जो आपने पहले बोला कि ये चेज कर सकेंगे नहीं, देखिए इनके पास बढ़िया बॉलर हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये ऑलराउंडर हैं। देखिए ये एकदम बढ़िया, देखिए इनको धमकियां भी आई हैं, ये कैमरे में कैप्चर हुआ है। जैसे कि मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल, आप देख रहे हो। देखिए उनको हमने कैच कर लिया है, बढ़िया, बहुत ही उदासी और मायूसी से लौटते हुए वापस। और नदीम और बिल्ले साडा से अपील की जाती है कि बाहर आ जाइए आप, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पे वो मतलब टीम की हौसला अफजाई करते हुए कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो, दो निकालिए, दो निकालिए। देखिए ए फ्यू मिनट्स लेटर, यहाँ पे एक इनिंग समाप्त होती हुई, ये एम्पायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्पायर क्या कहना चाहोगे आप? जी हम ये कहना चाहेंगे बाखूबी से हमने मैच निभाया, मैंने बहुत अच्छी एम्पायरिंग की, हमारे बैट्समैन नदीप साहब ने जो बैटिंग की है माशाल्लाह बहुत अच्छी, और 5 ओवर में 72 स्कोर जो इन्होंने मारा है, 295, वाओ, इनका नाम है, वाओ, नाम दे दिया गया है बिल्कुल, अब से इनको 295 बुलाया जाएगा, वाओ 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 की कसम। क्या नहीं बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल
चलो जाके इलाज कराओ। ऐसा इन्होंने मैच खेला है, वाओ, ऐसा कुछ खेल ही नहीं सकता। वाओ, दैट्स गजब 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 गजब। यहाँ पे सेकेंड इनिंग शुरू होती हुई, पहला ओवर करवाएंगे यहाँ पे छोटू, एकदम बढ़िया फॉर्म में 295 टीम का नाम भी और इनके टी शर्ट के आगे भी लिखा हुआ, जैसे कि आप देखने को मिल रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा पीछे, देखिए इनके सिद्धू भी है एकदम। और वहाँ पे ओपनर आए हैं कुमेश्वर सिंह और परवेज अवाना, कप्तान परवेज एकदम बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं कुमेश्वर। और यहाँ पे कुछ प्लेयर ये अभी बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, पवेलियन लौट चुके हैं ये, ये जो दो हैं ये प्लेयर हैं, एक्चुअली ये दो इनके फैन हैं। देखिए दर्शक बहुत जुड़ चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ, और इस सर क्या कहना चाहेंगे इस ग्राउंड के व्यू के बारे में, नेचर के बारे में कैसा लग रहा है? व्यू तो यहाँ का देखो एकदम बढ़िया, देखो वहाँ से भी देख रहे हैं, अंदर से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अंदर से बच्चे जो ज्यादातर बच्चे हैं वो अंदर से देख रहे हैं क्योंकि बाहर इनको लग जाती है। तो गाइस देखिए आपको हम कमेंट्री बॉक्स का व्यू दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाजिद अली जो कि काफी समय बाद आज पधारे हैं कमेंट्री बॉक्स में। वाजी कैसा लग रहा है आपको आज कमेंट्री बॉक्स में? बहुत बढ़िया लग रहा है, इन प्लेयरों के साथ जो अटैचमेंट हो गई है, जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है इनको देखने में, वो बहुत बढ़िया है। हमें लगता नहीं था कि इस ग्राउंड में इतनी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, पर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया है। वाह 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 वाह। और आप भी काफी टाइम के बाद इधर दिख रहे हो पंजाब में, आप बहुत देर के बाद आए हो, कहाँ थे आप काफी टाइम? एक्चुअली मैं मुंबई था तो वहाँ कमेंट्री बॉक्स में था मैं, मुंबई आईपीएल चल रहे थे तो उधर मैं बिजी था थोड़ा, तो आज लंबे समय के बाद मैं भी पधारा हूँ यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मैं कुछ फॉरेन टूर्स में चला गया था तो इसकी वजह से मैं आज ही मतलब रात को मैं पंजाब में पहुंचा, रिक्वेस्ट थी इधर से। वेलकम बैक, वेलकम बैक वाजिद, वेलकम बैक, स्पोर्ट्स क्लब से रिक्वेस्ट किया गया, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए यहाँ पे एक ओवर दो बॉल और दो विकेट हो चुकी हैं और दो रन। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्लेयरों को टिक कर खेलना होगा, अभी एक ही ओवर हुआ है, अभी बहुत ओवर बाकी हैं, अभी थोड़ा अंडर प्रेशर आ गए प्लेयर, सबसे बड़ी दिक्कत। यहाँ पे सलीम जो है बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, अभी इनने आसिफ की विकेट ली है, जो बढ़िया ऑलराउंडर रह चुके हैं। वाओ वाओ यहाँ पे बढ़िया फील्ड। और तो ये संडे को क्या होता है हमारे स्पोर्ट्स क्लब में कि संडे को मैच कराए जाते हैं और 6 डेज प्रैक्टिस की जाती है, दूसरे क्लब के बच्चे आए हुए हैं, ये 295 जो टीम है ये दूसरे क्लब की है, और ये दूसरे बुल्स है, दूसरी टीम का नाम बुल्स है, आई थिंक बुल्स 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 तो बुल्स दूसरे क्लब की है और यहाँ पे मैच कराए जाते हैं ये पंजाब में। ये सलीम बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं, देखो इनको चलने का अंदाज देखिए इनका, एकदम बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं आज। दर्शक बहुत जुड़ चुके हैं, ये देखिए दर्शक बहुत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वाओ यहाँ पे कैच मिस फील्ड नहीं हो सका छोटू के द्वारा, और यहाँ पे वसीम भी यहाँ पे बातचीत हो रही है। वसीम कुछ नहीं होता, डोंट वरी इट्स ओके। ट्राई किया आपने, पिच जरा शुरू है ना, ये कट कर देना प्लीज। देखिए दो ओवर में 7 रन चाहिए, पूरा एम्पायर एकदम जा रहे हैं बढ़िया से इंपायरी करने, और कप्तान भी जा रहे हैं कुमेश्वर की तरफ से 2 छक्के, कुमेश्वर बढ़िया खेलते हैं पूरा मैच लगता है। वाजिद क्या लगता है कि कुमेश्वर ही जिता पाएंगे मैच, पूरा मैच? हाँ बढ़िया, बाकी प्लेयर तो थोड़ा जल्दी आउट हो गए आज, आज भी बढ़िया फॉर्म में नहीं थे आज देखने को मिला, जैसे बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने आज, बॉलिंग में दिन था आज उनका। ऑलराउंडर प्लेयर है कि किसी भी तरह से अपना चमत्कार दिखा सकते हैं, उन्हें बॉलिंग में बढ़िया अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया काम किया। तो गाइस यहाँ पे ये अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए बंदे, हमने बताया था कि हम अपना पूरा 100% देंगे, चाहे हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक है, लेकिन ये बंदा इनने बैटिंग बहुत अच्छी की, 50 पकड़ रखी मैच में, कभी भी हमको मैच से दूर नहीं। अच्छी पारी खेली है। चलिए आप हमें फर्स्ट बैटिंग खिलाइए, आप बॉलिंग। सो गाइस अब नया मैच स्टार्ट होने वाला है तो इसको करते हैं यहीं पे एंड। बढ़िया प्रदर्शन दिखाया आपने, जैसे कि आप बढ़िया फॉर्म में, आपने इंपायरी भी की, आई थिंक इंपायरी भी की आपने। जी, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं क्रिकेट में फुटबॉल भी खेलता हूँ। वाओ, अबे तू है गोल, तू वाओ वाओ, दैट्स मूवमेंट वाज गजब गजब, मतलब की छोटी बॉल से बड़ा गेम। वाओ, आप बढ़िया प्लेयर है, आप बढ़ते हैं आगे। सलीम जिन ने 2 विकेटें ली है आज, बढ़िया बॉलर रहे हैं आज के, क्या कहना चाहोगे कैसे हुआ ये? बोलो पावर वाओ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल।
तो भाई साहब कौन सी टीम जीती है यहाँ पे आज? यहाँ पे 295 टीम का नाम जो कि जीत चुकी है। ये कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कप्तान कैसी फीलिंग आ रही है आपका अभी जीत के मैच जीत के? थैंक यू। पहले तो मुझे यहाँ पे बोलने के लिए कुछ अपने हमारी टीम का जो था एफर्ट बहुत अच्छा था। आपने भी देखा होगा जैसे आप देख रहे थे मैच फील्डिंग आपने देखा कितनी अच्छी थी। इनसे थोड़ी मिस फील्ड हुई है साथ में इनकी थोड़ी बॉलिंग लाइन है हमारी। हमने पहले बोल दिया था हमें हमारे पास कोई मेन बॉलर नहीं है लेकिन इसी की वजह से हम मैच जीत गए। दूसरा भी हम आपको जीत के दिखाएंगे हमारी टीम का। वाह वाह बढ़िया बढ़िया। करते हैं व्लॉग को एंड। तो लाइक कमेंट शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।